फ्रेंड्स, आज मैं बहुत ही लजीज और लाजवाब बिरयानी रेसिपी लेके आई हूँ, बटर चिकन बिरयानी। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं लगभग 1.5 kg चिकन ली हूँ, आप अपने हिसाब से चिकन लें जितना उतना ले सकते हैं। फिर लगभग मुट्ठी भर हम इसमें पुदीना पत्ता डालेंगे और धनिया पत्ता दोनों मिक्स करके डालेंगे, ठीक है। 1 चम्मच भर के 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट है और लगभग 1 टी स्पून में लहसुन का पेस्ट। ये अदरक और मिर्च का पेस्ट है, ये लहसुन का पेस्ट है। लहसुन का लगभग 2 टी स्पून डालूंगी मैं, ठीक है। उसके बाद 1 टी स्पून भर के कसूरी मेथी, थोड़ा से हाफ रब कर लेंगे तो फ्लेवर अच्छा आएगा। अब जो सूखे मसाले जाएंगे वो देख लें। लगभग 1 टी स्पून मैं जीरा पाउडर डाली, हल्का रोस्ट किया हुआ है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इतना आपको तीखा खाना है उसी हिसाब से लाल मिर्च, 1/2 टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टी स्पून गरम मसाला जाएगा इसमें, मेरा होममेड है, काफ़ी स्ट्रांग रहता है। एक कप भर के छोटी कप से दही रहेगा, अच्छे से फेंट लीजिएगा नहीं तो लम्स आ जाएगा। लगभग 1 कप दही डालने के बाद हम इसमें देसी घी डालेंगे। मैं बटर डाल रही हूँ, बटर भी डाल सकते हैं, देसी घी भी डाल सकते हैं, 2 टी स्पून। और जो जिसमें बरिस्ता बनाई हूँ उसका तेल इसमें लगभग 4 चम्मच डालेंगे, 4 टी स्पून डालेंगे। लास्ट में स्वाद अनुसार नमक और अच्छे से हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे हम। मिक्स करके ओवरनाइट रख दे तो बेस्ट, नहीं तो कम से कम हाफ एन आवर जरूर रखिएगा। बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बिरयानी की ये रेसिपी है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पसंद आए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अच्छे से मिक्स हो गया है, अब इसको ढक के लगभग मैं 1.5 घंटा रखूँगी मैरिनेट करके। हाफ एन आवर से कम मत रखिएगा नहीं तो फिर टेस्ट नहीं आता, ऐसे एकदम अच्छे से चिकन के अंदर मसाला घुस जाता है। चिकन हमारा अच्छे से मैरिनेट हो गया है, 1 से 1.5 घंटा मैंने मैरिनेट किया, अब इसको साइड में रख देंगे। अब मैं बटर ली हूँ लगभग 2 टी स्पून और लगभग 4 टी स्पून देसी घी डालूंगी इसमें। आप चाहे तो रिफाइंड में भी बना सकते, लेकिन ये बटर चिकन है, इसमें बटर और देसी घी का ही इससे ज़्यादा टेस्टी लगता है। जब हमारा घी अच्छे से गर्म हो जाए तब हम इसमें खड़ा मसाला डालेंगे। 4 हरी इलायची है, 1 बड़ी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा है, 6 से 7 काली मिर्च है, 4 लौंग है, 1/2 टी स्पून जीरा, 1/2 टी स्पून जावित्री, अरे साजीरा सॉरी, और 1 जावित्री का टुकड़ा और 4 लौंग है। इतना खड़ा मसाला हमारा ये तेल में जाएगा और लास्ट में तेजपात। हमारा तेल अच्छे से तेल में हमारे मसाले चटकते हैं। अब हम इसमें अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे। बटर में अच्छे से हम चिकन को मिक्स कर लेंगे ताकि सारा कोट हो जाए। इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, दही अपना पानी छोड़ेगा। 1 से 2 मिनट भुनने के बाद हम इसमें लगभग 1/2 कप टोमेटो प्यूरी डालेंगे। मेरे पास टोमेटो ब्लैक है और ये बर्फ के फॉर्म में, वो मैं डाल रही हूँ। 1/2 कप बरिस्ता डालेंगे, 1/2 बचा लेंगे, ठीक है, लगभग 1/2 कप, 2 टी स्पून ये काजू का पेस्ट है, 1/2 टी स्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा, ये तीखा नहीं है, 1/2 टी स्पून गरम मसाला,
हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पानी बिल्कुल भी डालने की ज़रूरत नहीं। टमाटर प्यूरी, टोमेटो प्यूरी और दही अच्छे से पानी छोड़ेगा, इसी में हमारा चिकन अच्छे से कुक हो जाएगा। लगभग 3 टीस्पून हम फ्रेश क्रीम डालेंगे। आप घर का मलाई भी डाल सकते हैं, नहीं तो अमूल क्रीम भी डाल सकते हैं। अच्छे से हम इसको भी चिकन में मिक्स कर लेंगे। अब स्लो फ्लेम में हम 10 मिनट कुक करेंगे। चिकन हमारा 10 मिनट में अच्छे से कुक हो जाए, क्योंकि मैरिनेट है बहुत जल्दी कुक हो जाता, बहुत ज़्यादा ये निकल और फिर दम भी लगेगा, तो उसमें अच्छे से कुक हो जाएगा हमारा। अब हम ढक देंगे, ढक के 10 मिनट कुक करेंगे मीडियम से स्लो फ्लेम में। इस तरह से ढक के 10 मिनट हम स्लो से मीडियम फ्लेम में कुक करेंगे। बीच में एक बार चला के देख लीजिए, नीचे से पकड़े नहीं। हमारा चिकन बनके एकदम तैयार है। अब हम ताव लगाते हैं। जैसे सिंपल बिरयानी का चावल बॉयल होता है, उसी तरह से हाफ कुक कर ली हूँ चावल, ठीक है। अब हम एक पतीली लेंगे जिसमें दम लगाएंगे। सबसे पहले हम चिकन, हाफ चिकन तवे में लगा देंगे। मैं लगा लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। इस तरह से चिकन का एक लेयर लगा लेंगे। अब चावल का एक लेयर लगाएंगे हम। इस तरह से एक लेयर चावल का लगेगा। अब इस पर घी और बरिस्ता डालेंगे। इस तरह से बरिस्ता डालेंगे और घी। मैं देसी घी डाल रही हूँ, आप चाहे तो बटर भी डाल सकते हैं, रिफाइंड भी, लेकिन ये बटर चिकन है इसलिए देसी घी या बटर ही डालिएगा, ज़्यादा टेस्टी लगता है। फिर अब एक लेयर हम चिकन का डालेंगे। आखिर में बरिस्ता डालेंगे, ये फूड कलर है चाहे जर्दा कलर, और ये रोज एसेंस और केवड़ा एसेंस, लगभग 2-2 ड्रॉप डाली हूँ। एसेंस बहुत तगड़ा होता है इसलिए कम ही डालिएगा। अब वाटर डाल रहे हैं तब तो 2-2 चम्मच डाल दीजिएगा। इसको डाल देंगे और ढक के लगभग 10 मिनट एकदम सीम पे हम इसे दम करेंगे। इस तरह से हम ढक के दम करेंगे लगभग 15 से 20 मिनट एकदम स्लो टेम्परेचर पे या स्लो गैस पे। दम हो जाने के बाद 10 से 15 मिनट बाद मैं दिखाती हूँ। हमारा बटर चिकन दम बिरयानी बनके एकदम तैयार। खिला खिला के एक दाना, देखने में जितना टेस्टी, खाने में उतना ही लजीज और ज़बरदस्त। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये रेसिपी बहुत पसंद आएगा।